कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच सोमवार से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कई जगहों पर छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची। बेंगलुरु के KSTV हाई स्कूल में तो परीक्षा कराने पहुंची नूर फातिमा नाम की शिक्षिका भी हिजाब पहनकर ड्यूटी पर पहुंची। हिजाब उतारने से मना करने से पहले तो उन्हें वापस घर भेजा गया, बाद में शिक्षा विभाग ने उन्हें निलंबित ही कर दिया। इसी तरह बगलकोट जिले के इलकल कस्बे में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने से रोकने पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हुबली जिले में भी एक छात्रा हिजाब पहनकर पहुंची, हालांकि बाद में वो बिना हिजाब के परीक्षा देने को राजी हो गई। इस बीच राज्य के गृह मंत्री आराध्या ज्ञानेन्द्र ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हर किसी को हाईकोर्ट का फैसला मानना होगा। बता दें कि राज्य में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 11 अप्रैल तक चलेंगी, जिसमें 8.76 लाख स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पा रहे उन्हें फिर से मौका नहीं मिलेगा।